रहे हैं तो रंगोली बनाल दे एक समस्या साड़ी जरा इतने कचरा सुटा करते हैं ये बड़ी मुश्किल होवा रही है जी जी और ये 25 करोड़ रुपया ने अलाटमेंट किया गोरमेंट ने दिते दा इन्हें 2-3 करोड़ जरा ज्यादा ज्यादा लाया होना बाकी ने अगे कि अस इतने मशीना लग गए इसी अस कचरे की जरा दबा गए जी ना कोई फैक्ट्री लाई है उसी मतलब मिसप्रिंट करके कचरा लभो नहीं मक्खियां बहुत ज्यादा और बीमारी लगने का बहुत डर है बच्चे निके निके कोई मक्खी खाई लैग उसकी उल्टी हो कोई 50 तो बीमारियां लगी सकती हैं बारिश का पानी जो जाता बच्चे जनानी जो भी जानवर जितना ये पानी पीते हैं ये झज्जर कोटली जम्मू तक पानी जाता सारा इस पानी से जिन्ना गंद ये जानवर जड़े मरे कुत्ते डंगर जो भी गंद आनी सारा इतने सुट देने लगे। अच्छा इन्हें 2 किलोमीटर उपर जी जगह दसी इन्हें फिक्स की जगह इन्हें उत्थे गड्डियां वाले जंदे नहीं ये अद्धा रस्ता इतों जनाब देखना ये देखो स्वच्छ भारत है ये भारत है असं आखने के गवर्नमेंट तक ये गल पुजनी गवर्नर साहब तो ये गल पुजनी चाहिए देखना ये साड़ी हालत की होवा दी इतने ये स्वच्छ भारत चल रहा अभियान है ये वास्ते मेहरबानी करे आख रही है कि मेहरबानी करे गवर्नमेंट से अपील करने गवर्नर साहब अगे कि साढ़े बारे कोई सोचा जा नहीं तो असं तो मजबूर है रोड पर आने वास्ते तो आखिर असं एक दिन रोड पर आएंगे तो हालात जी ठीक नहीं होगी। सर मेरा नाम संदीप शर्मा है और मैं आपकी जो स्टे टाइम की टीम है उसका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप हमारे जो गांव की इतनी बड़ी विकराल समस्या है उसे देखने और उसकी लाइव रिपोर्टिंग करने के लिए आए। सर आप देख रहे हो कि ये जो डंपिंग यार्ड है जो पूरे उधमपुर जो चनैनी जितना भी कचरा है चाहे हॉस्पिटल का हो म्यूनसिपल्टी का हो वो सारा यहाँ फेंका जा रहा है और जिससे इस इलाके की जो आबादी है कम से कम 1 लाख आबादी जो इससे प्रभावित हो रही है और ये जो कचरा है ये इस नाले से बहकर पूरे जम्मू का जो जम्मू डिवीज़न है वहाँ की जनता है वो सारा पानी या इस झज्जर नाले का ही पीती है। इसलिए मेरी उधमपुर प्रशासन और उधमपुर डीसी मैम से डीसी साहब से ये हाथ जोड़ के विनती है कि जो इस गांव को नरक बनाया है इस पर कोई कार्रवाई की जाए और वरना जितनी भी यहाँ जो आबादी है वो यहाँ से विस्थापित कर जाएगी। किस लिए ये इतने बड़े प्रोजेक्ट जो ला रहे हो किस लिए ला रहे हो अगर इतने आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाया है इसे प्रॉपर तरीके से इसे फॉलो कीजिए। जितना भी कचरा आ रहा है आप यहाँ जंगल में फेंक रहे हो और जो हमारा हरा भरा जंगल है इसे भी नष्ट और तबाह कर रहे हो।